नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल NIS मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। खराब होता है अरे यार। बको बको हम इधर आ जाएं क्या? हर संस्था के जितने मेंबर हैं सब सबकी तरफ से कि 50-50 कंप्लीट करें अपने अपने तरफ से डोनर, तो कोशिश यही है कि 80-85 तो कंप्लीट कर लें। वीडियो तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ तो सर, ब्लड डोनेशन के बारे में दो शब्द युवा को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं नई उड़ान की संस्था के सभी सदस्यों का और पीयू जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार कई वर्षों से रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वो शिविर आयोजित करते रहे हैं और जमशेदपुर शहर जो है वो पूरे देश में एक अग्रणी भूमिका निभाता है रक्तदान के मामले में, और उसी पहल का हिस्सा आज फिर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है जमशेदपुर ब्लड बैंक में, जहाँ हम लोगों ने सहभागिता की है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने युवा साथियों से आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि रक्तदान को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। जैसे आप सोशल मीडिया पर जितना एक्टिव होते हैं, जितने पीरियोडिकली एक्टिव होते हैं, उसी तरह से हर 3 महीने में अपने को स्वस्थ रखें और रक्तदान करें और समाज के काम आए। आपका परिचय? कुणाल सर। सर, ब्लड डोनेशन के बारे में युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये नए कार्य है और बहुत अति आवश्यक कार्य है। ब्लड की जरूरत तो सबको पड़ती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, किसी को जरूरत शरीर पर सकती है। और इस कार्य को जितना भी बढ़ावा दिया जाए बहुत अच्छा चीज़ है। नई उड़ान के माध्यम से हर साल ये लोग ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसमें सम्मिलित होकर। और शहर में इस मामले में देखा जाए तो बड़ी अच्छी जागरूकता है, जैसे कुछ शहर इसके लिए ना पूरे भारत में लोग जानते हैं, इसको फेमस है। हाँ तो सर, ब्लड डोनेशन के बारे में युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो आज के डेट में बहुत सामान्य से बात हो गई है और बहुत लोगों का रुझान बढ़ा है, और इसके वजह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका मदद करना बहुत आसान हो गया है। तो एक बहुत अच्छा जरिया है, और ये जो भी डोनेट करते हैं इसको डोनेट नहीं बोलते, एक सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है हमारा, कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। बहुत से लोग हैं जो आर्थिक रूप से मदद नहीं कर पाते हैं, तो भगवान ने आपको इस रूप में भी बनाया है कि आप खून देकर भी किसी की मदद कर सकते हैं। मैडम, पहली बार ब्लड दे रही है, कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको ब्लड देते हुए? ब्लड देके किसी का हेल्प हो रहा है तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बट अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम ले रही हूं, बट फीलिंग वेरी ग्लैड। तो आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं नई उड़ान जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट करती हैं समाज को, जिसका जवाब नहीं है, जो काबिले तारीफ। आपने अब तक कितना ब्लड दे चुके हैं? अभी तक हम 136 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।